जी दोस्तों, लाइन एंड एंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी। तो देखिए, दो सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। तो देखिए, ये बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि बी ओ सी प्लस ए ओ डी, बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर दिया हुआ है 280 अंश। कितना दिया हुआ है? 280 अंश। तो कह रहा है कोण ए ओ सी ज्ञात कीजिए, ए ओ सी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब ध्यान दीजिए, अर्थात कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, ए ओ डी। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये क्या है? आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन में कि कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर दिया हुआ है 280 अंश। कितना दिया हुआ है? 280 अंश। अब ध्यान दीजिए, बी ओ सी, बी ओ सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए ओ डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ डी प्लस, अब ये दिया हुआ है कोण ए ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है? 280 अंश। कितना दिया है? 280 अंश। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ए ओ बी, ए ओ डी और एक ए ओ डी, कितना हो जाएगा? 2 कोण ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? 280 अंश। तो यहां से हम लोग यहाँ पे कटा देते हैं, दो एक का दो चौके 8। तो कोण ए ओ डी बराबर आपका कितना आ गया? 140 अंश। तो ध्यान दीजिए, कोण ए ओ डी बराबर कितना आ गया? 140 अंश। अब ध्यान दीजिए, जब ये 140 अंश है तो ये देखिए, ये कोण क्या है? रेखीय कोण है। रेखीय कोण का मतलब ये पूरा होगा 180 अंश का। तो ध्यान दीजिए, कोण ए ओ सी और प्लस कोण ए ओ डी बराबर क्या होगा? 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय कोण है। अब ध्यान दीजिए, कोण ए ओ सी और प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 140 बराबर आपका हो जाएगा 180। कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, घट जाएगा, 180 में से 140 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। तो देखिए, कोण ए ओ सी पूछ रहा है, तो कोण ए ओ सी कितना गया? 40 अंश आ गया। तो देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेखीय कोण का योग कितना होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी। तो देखिए, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, देखिए ए बी और सी डी, तो दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर काटती हैं। तो देखिए, बिंदु किस पे काट रही है? ओ पर काट रही है। अब देखिए, कह रहा है यदि ए ओ सी, ए ओ सी, कोण ए ओ सी दिया हुआ है कितना? 50 अंश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 अंश दिया हुआ है। तो कह रहा है कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए, कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब आप लोगों को पता होगा कि रेखीय कोण का योग कितना होता है। रेखीय कोण 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे करें 50 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, जैसा कि हमको पता है। अब ध्यान दीजिए, अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर चला जाएगा, अर्थात 180 माइनस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 130। x बराबर 130, जो कि कोण बी ओ सी है। तो देखिए, कोण बी ओ सी का वैल्यू पूछ रहा है।
कोण बी ओ सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोण बी ओ सी का वैल्यू कितना आ गया 130 अंश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही आसान होता है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी दोस्तों आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सरल रेखाएं यहां पे दो है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी। तो देखिए ए बी तथा सी डी, ए बी कहां है, ए बी तथा सी डी, ठीक है। तो दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। तो देखिए ये बिंदु है, बिंदु ओ पे क्या कर रही है, काट रही है। फिर कह रहा है यदि ए ओ डी 3x-10 अंश है, 3x-10 अंश है, तथा बी ओ सी कह रहा है 2x+30 है, तो 2x+30 हो गया। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कोण ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए, ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है, मान लेते हैं इसका वैल्यू मान लेते हैं हम वाई है, क्या है वाई है। अब ध्यान दीजिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी, ये होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए ए ओ डी का वैल्यू दिया हुआ है 3x+3x-10 दिया है, कितना दिया है 3x-10। उसके बाद बी ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है 2x+30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x+30। अब हम लोग क्या करते हैं 3x, ये 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x निकल जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, ये 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 30 में प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना आ गया 40 अंश आ गया, x बराबर 40 अंश। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 40 अंश रखते हैं तो 2 गुणते x का वैल्यू 40 रख देते हैं और प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 40 × 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, अर्थात ये टोटल कितना हो गया 110 अंश हो गया, कितना हो गया 110 अंश हो गया ये टोटल। अब ध्यान दीजिए हम रेखीय कोण से ध्यान देते हैं, ये इतना कोण कितना होगा, ये रेखीय कोण है 180 अंश होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं y+110 बराबर हो जाएगा 180 अंश, कितना होगा 180 अंश। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा 180 में से 110 घटेगा, कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। तो इस तरीके से आपका आ गया कोण AOC, कोण AOC कितना आ गया 70 अंश आ गया, कितना आ गया 70 अंश। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं है। तो कोण एंड एंगल का हम लोग रेखा एंड कोण का हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।